हाँ अभी स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग भी। IPF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिखा है बेटा, तो दिखेगा एक्चुअली क्या नेट वही नेट की स्पीड कम होने के कारण वो दिखने में दिक्कत होती है। अब देखो तो दिख रहा है क्या? अब देखो तो रुपेश नहीं सर, अभी हमको क्लियर तो दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क करता हूँ मैं इसको। अब देखो सही आया रुपेश? अब क्लियर हुआ ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यस सर, फॉर्मूला पाला एक ए पार्ट का, ए पार्ट का टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई। दूसरा फॉर्मूला इसका टेन इनवर्स एक्स, आकाश दिख रहा है तुमको? देखो अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे जो हम खड़े हैं ना, मैं जो अभी खड़ा हूँ मेरे राइट साइड में लाइट है, ठीक है, तो उस लाइट का छांव मेरे मेरे मेरी छांव पड़ती है बोर्ड पे, इसलिए दिखना कम हो जाता है। फिर हटेंगे फिर देखिएगा, तो वो बार बार देखो, अब देखो अब दिख रहा होगा है ना, अभी दिख रहा होगा, और देखो इस टाइम इधर आए तो दिखना बंद कम हो गया, तो उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ अब नहीं दिख रहा है ना, तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि छाव पड़ने लग गई, अभी दिख रहा होगा, देखो ये अब दिख रहा है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ वो नेट की स्पीड के कारण प्रॉब्लम आ रही है। अब क्लियर हुआ ना? वो बीच बीच में ऐसा होता है ऑनलाइन में कि कभी जो है नेट स्लो हो जाता है तो दिखना कम हो जाता है, फिर दिखना चालू होता है, बीच बीच में टैप करना पड़ता है मुझे भी। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस है तो प्लस एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई। ठीक है देखो ये ठीक, इसका प्रूफ आप लोग जानते हैं, मतलब जानते हैं तो हाँ, नहीं जानते ना कोई बड़ी बात नहीं, इसका प्रूफ जानते हो रुपेश? प्रूफ जानते हो? नहीं सर। नहीं तो देखो इसका प्रूफ बताता हूं मैं, दोनों के लिए एक ही है, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सम एंगल, देखो यहां एक्स कोई नंबर रहता है, और ऐसा समझो टेन थर्टी का वैल्यू अगर तुम्हारा कितना है होता है इक्वल में कितना होता है वन बाई रूट थ्री होता है, तो tan इस साइड से उस साइड जाएगा तो यहां 30 डिग्री बचेगा और ये tan इनवर्स 1 बाई रूट थ्री होगा। इसका डिटेल में जाऊंगा
मतलब इसके सारी चीजों के बारे में डिटेल में जाएंगे तो टेन इनवर्स 1/√3 का वैल्यू 30 डिग्री हुआ, यानी ये एक्स का वैल्यू हुआ 1/√3, वही यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सम एंगल ए, तो ये एंगल ए है इसीलिए यहाँ पर एक्स कोई नंबर होगा, एक्स क्या होगा कोई नंबर होगा, ये एक्स का नंबर सिंस टेन थीटा का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, इसीलिए टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच लाई करेगा, बट ये एंगल जो है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में ही ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। अगर उसके अलावा लेने के कंडीशन आएगा तो वो चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी जो सिंपल चीजें हैं पहले उसको हम लोग बात करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए हुआ, तो यहां से एक्स का वैल्यू टेन ए हो गया, एंड हम लोग क्या किया टेन इनवर्स वाई को हमने बी मान लिया, तो यहां से y बराबर tan b हो गया, ठीक। अब पहला फॉर्मूला हम लोग प्रूव करना चाहते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, हम लोग क्या किए tan a प्लस बी बराबर लिखा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो हम लोग का होता है वही लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी लिखा, अब देखो यहां पर ए का वैल्यू टेन ए का वैल्यू एक्स है वो लिख दिया, टेन बी का वैल्यू हमारा वाई है लिख दिया, by 1 minus x into y, ये क्या था तुम्हारा tan a plus b, तो यहां से हमारे पास क्या हुआ a plus b बराबर tan inverse x plus y by 1 minus xy, ठीक है। और अब ये a का वैल्यू क्या था तुम्हारे पास में, a किसको माने हुए थे tan inverse x, b किसको माने हुए थे tan inverse y को, बराबर tan inverse x plus y by 1 minus xy हो गया। वैसे ही सेकेंड पार्ट को अगर हम लोग प्रूव करेंगे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, वाह ये हो गया एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई हो गया। a माइनस बी बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, ए क्या था तुम्हारा टेन इनवर्स x, b क्या था टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई, प्रूव्ड। समझ पाया रुपेश? हाँ सर। अंकित समझ पाया? अंकित से नाम है ना? आकाश। आकाश ठीक है, समझ में आया दोनों को?
सर। देखने में दिक्कत नहीं हो रही है? अब लिखो। चारों तरफ देखो खाली सायरन सायरन चल रहा है एम्बुलेंस का, ठीक है? यस सर। बहुत खतरा है बेटा बाहर। वो एक मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, मेरा पर्सनल स्टूडेंट है, तो वो वही बता रहा था कि उसके कोई रिलेटिव है, मतलब 35 साल का था, वो नहीं रहा। बहुत ज़्यादा डर लगता है। बेटा एग्जाम तो लेगा, अब देखो क्या करता है, कुछ अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद लेगा पक्का। ठीक है, लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं फोटो ले लिया हूँ, भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। ठीक है, इसी को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इसका उल्टा भी कर लेता हूं, क्वांट वाला भी बता देते हैं। दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे। cot inverse x plus cot inverse y cot inverse xy minus 1 by x plus y। cot inverse x minus cot inverse y over cot inverse xy plus 1 by x minus y। Proof, let cot inverse x equal to a, then x equal to cot a। यहां पे गलती है, y पहले आएगा और x बाद में आएगा। cot inverse y equal to b, y equal to cot b। पहला पार्ट के लिए फॉर्मूला cot a plus b is cot a cot b minus 1 by cot a plus cot b।
वन छोटे का वैल्यू एक्स ये वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई ए प्लस बी बराबर 14 वर्स एक्स वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई। वाह ए का वैल्यू क्या था 14 वर्स एक्स प्लस 14 वर्स वाई बराबर 14 वर्स एक्स वाई माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई ये प्रूव हो गया। कितना आसान सा था प्रूफ सेकेंड पार्ट का। cot a माइनस बी इज cot a cot b प्लस वन बाय cot b माइनस cot a x into y plus 1 by y minus x a minus b बराबर 14 वर्स x y plus 1 by y minus x a का वैल्यू 14 वर्स x, b का वैल्यू 14 वर्स y बराबर 14 वर्स xy x into y x into y plus 1 by y minus x proved। हाँ देखो हम लोगों ने क्या किया cot inverse x plus cot inverse y equal to cot inverse x into y minus 1 by x plus y cot inverse x minus cot inverse y equal to cot inverse x into y plus 1 by y minus x let cot inverse x equal to a then x equal to cot a cot inverse y equal to b then y equal to cot b cot a plus b is cot a cot b minus 1 by cot a plus cot b that is cot a plus b is x into y minus 1 by x plus y ye a plus b equal to cot inverse xy minus 1 by x plus y that is cot inverse x plus cot inverse y is cot inverse x into y minus 1 by x plus y cot a minus b is cot a into cot b plus 1 by cot b minus cot a cot a minus b equal to x into y plus 1 by y minus x a minus b देखो cot इधर आ जाएगा a minus b equal to cot inverse x into y plus 1 by y minus x that is cot inverse x minus cot inverse y is cot inverse x into y plus 1 by y minus x। बस ये तब सिंपल सिंपल सा चार फॉर्मूला है जो हम लोग cot a plus b cot a minus b tan a plus b tan a minus b फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं एकदम सिंपल सा। इसी को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कंप्यूटेशन लेवल तक चले जाते हैं इवन आईटी एडवांस में भी इसी पे बेस्ड इन चारों पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वैसे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी सब को डिस्कशन करते हैं इस क्लास के बाद। आओ इसको पहले ये पहले करते हैं इसके सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले सिंपल क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है उसको डिस्कशन करेंगे देन उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। चलो इसको कॉपी कर लो देख लो फोटो खींच लेते हैं स्कैनिंग ले लो नेट 90% चला गया नेट सर। हाँ इंटरनेट दो क्लास में 90% खत्म हो गया। जूम पे क्यों नहीं ले रहा है सर गूगल मीट पे ज्यादा लगता क्या
सुनो वो डलवाना भी बेटा कहाँ जा रहे मम्मी से दे दो मम्मी के पास ही सारा पैसा वो हिट बंद दे बेटा जूम पे क्या कम नेट लगता है क्या रुपेश इससे अच्छा है मतलब इसमें नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी उसमें नहीं होता है अच्छा हम लोग पास जूम का भी है सिस्टम बेट किया हुआ उस पर ले लिया करेंगे अनमोल सुनो बेटा अरे वो एक तो पहले मेरे को वो दे दो इसका पासवर्ड बताओ तेरा वाला वीवो वाला पासवर्ड बताओ हाँ देखो बताते हैं वीवो में क्या था ना फोटो खींच रहे ना जैसे फोटो खींच रहे थे ये देवान नायक वीवो लेकिन इसमें फोटो खींच के लिए कैसे बोलते हैं तो उसमें थोड़ी है इसमें ब्लूटूथ से काम कर लेगा भाई तो ये दो अरे 60 रुपया सुनो पूरा पैक हो के जाएगा बेटा अरे 5907 बताया ना 5903 आगे कर सुनो अरे और वो मीना छोटे तो पैसा दूध देते हुए आ जाएगा दूध देते हुए आ जाएगा ठीक है रुपेश हाँ कौन फोटो खींचना यस सर अब आ गया ब्लूटूथ भी आ गया चलो ठीक अब मिटाते हैं ठीक ठीक आप फोटो लिए थे क्या ठीक
क्वेश्चन वन, क्वेश्चन ए का पहला पार्ट। क्वेश्चन ए में है क्या क्वेश्चन वो भी बता रहा हूं पहले। क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ बुक में, हम लोग कुछ और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंपटीशन में हमको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस वे से पूछा जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, या द वैल्यू ऑफ पहला, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन रहेगा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऐसा लिखा रहेगा, उसके बाद में उसका वैल्यू हमें बताना पड़ेगा क्या आएगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, a माइनस बी बाय टेन इनवर्स a माइनस बी बाय वन प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स b माइनस सी बाय वन प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स c माइनस ए बाय वन प्लस सी ए बराबर निकालना है। कितना आएगा बताओ तो, सोच के दो तीन सेकंड का खेला है। cot इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बाय वाई माइनस एक्स हाँ निकालो देखो क्या आएगा। cot इनवर्स वाई जेड प्लस वन बाय जेड माइनस वाई बराबर प्लस cot इनवर्स जेड बराबर वाट, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, ठीक है। tan inverse 1 by 1 by x plus y plus tan inverse y by x square plus xy plus 1 बराबर equal to question mark। यहां पर एबीसी के फॉर्म में तुम्हें आंसर दिखा होगा, उसमें से जो आंसर निकालोगे वो आंसर दे दी हो जाएगा। tan inverse x plus क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, जो बुक में दिया हो उसको चेंज किया। tan inverse 1 plus x plus x square equal to question mark। हेलो आ रहा है ना रुपेश? क्या देखो कितना आसान है ये पहला वाला का आंसर सॉल्यूशन निकाल पाए क्या रुपेश पहले वाले का? देखो हमने पढ़ा था अभी tan inverse x minus y by 1 plus xy बराबर tan inverse x minus tan inverse y पढ़े, वो देखो a माइनस b के टर्म में दिया, तो पहला वाला ऊपर वाला पहला पार्ट होगा tan inverse a minus tan inverse b प्लस ये तुम्हारा tan inverse b माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए
टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी गया गया, टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स बी गया, माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी गया, जीरो आंसर। अब ये बताओ, अब ये बताओ इसको कहां लिखने की जरूरत थी, ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी मतलब माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी गया, माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी गया, माइनस टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स सी गया, जीरो आंसर। हेलो, ठीक है, बैटरी भी जवाब दे दी, कोई बात नहीं, चलेगा थोड़ा देर, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वहां दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला सेकंड वाला, cot inverse x y plus 1 बटे y y माइनस है, तो ये cot inverse x माइनस cot inverse y होगा, होगा ना, होगा, ये तुम्हारा cot inverse, cot inverse x माइनस cot inverse y प्लस cot inverse y माइनस cot inverse z हो गया, प्लस cot inverse z। वाह, देखो cot inverse x, cot inverse x माइनस cot inverse y, cot inverse y माइनस cot inverse z और प्लस cot inverse z है, ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये क्या बचा, ये क्या बचा, cot inverse x बचा। हाँ ठीक, इसमें देखो बड़े मजेदार क्वेश्चन थर्ड वाला, इसको हमने वैसे रहने दिया, ठीक, इसको मैंने क्या किया यहां पे देखो, बड़े बड़ा इंटरेस्टिंग।